किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इसके मुताबिक 26 मई से उज्जैन की मुख्य कृषि उपज मंडी को खोलने के निर्देश दिए गए। मंगलवार को सुबह कृषि उपज मंडी खोलनी थी, परंतु यहां व्यापारियों ने आकर मंडी कार्यालय पर विरोध जताया और मंडी सचिव के साथ बैठक कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन फेज 4 की समाप्ति के बाद ही मंडी को खोला जाए, क्योंकि मंडी के आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है जहां मंडी के हम्माल व तुलावटी मजदूर रहते हैं। यदि वे लोग मंडी में आएंगे तो और अधिक कोरोना फैल सकता है। सभी व्यापारियों ने मंडी सचिव को एक ज्ञापन भी दिया। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि व्यापारियों के विरोध के कारण अब मंडी 31 मई के बाद ही खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 26 तारीख से कृषि उपज मंडी समिति में कृषि उपजों का खुली नीलामी से गोरख विक्रय प्रारंभ किया जाने के आदेश के उपरांत आज दिनांक को अभी सभी व्यापारियों की 5-7 लोगों की प्रमुख की बैठक रखी गई थी। व्यापारियों ने सबने अपने हिसाब से सामूहिक रूप से विचार ये किया है कि मंडी के जो क्षेत्र है, चूँकि मंडी घनी आबादी में है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ सब कंटेनमेंट एरिया है, अधिकतर हम्माल व्यापारी और तुलावटी इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो व्यापारियों का ये आग्रह है कि प्रशासन को इस बात से अवगत कराया जाए कि लॉकडाउन 4 तक 31 मई तक इस मंडी को अभी जो है खुली नीलामी के लिए चालू नहीं किया जाए। व्यापारी लोग हैं, हमने कभी मंडी चालू करने का विरोध नहीं करा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना का महामारी चल रही है उसको देखते हुए और हमारे शहर में जो रेड जोन एरिया है और जहाँ करीब बढ़ते बढ़ते 650 मरीज कोरोना के हो गए हैं और हमारी मंडी के चारों ओर कंटेनमेंट एरिया है जहाँ हमारे मंडी के हम्माल भाई, व्यापारी भाई, हमारे मुनीम भाई सभी लोग उस एरिया के आसपास या उस एरिया में रहते हैं। ऐसे एरिया में से अगर सब लोग आएंगे मंडी में तो उस मंडी की सुरक्षा की दृष्टिकोण को रखते हुए हमने बोला कि अभी चौथा लॉकडाउन समाप्त हो जाए, वस्तु 1 जून के बाद मंडी की क्या वस्तु शहर की स्थिति बनती है उसके बाद बैठ के विचार करेंगे। अब रातों रात एक रोज़ पहले कहते मंडी बंद कर दो और एक रोज़ भी कहते मंडी चालू कर दो, तो मंडी चालू करने के पहले बहुत सारी परिस्थितियों पर सरकार को भी देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में और भी रेड जोन एरिया है, भोपाल है, इंदौर है, हमारे पास में देवास है, यहाँ कहीं भी मंडियाँ चालू नहीं हुई है, पर उज्जैन में जो एकदम रास्ता अचानक मंडी चालू करने का इल्ले भरवान जारी करा उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और अभी मंडी हम चालू नहीं करना चाहते। मंडी चालू करने के पहले सब पूरी तैयारी कर जिससे कि अपने यहाँ शहर में या मंडी प्रांगण में या हमारे भाई लोगों को किसी को इस बीमारी के से ग्रसित न हो, इस प्रकार की तैयारी करने के उपरांत सब मंडी चालू करें। मुकेश।